Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं और इसको लगाना भी बेहद इजी होता है बिकॉज इसमें मेनली टैन का रेशियो ही यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ए मीटर एंड बी मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज स्क्वायर रूट ऑफ ए बी मीटर। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि कोई टावर है और टावर के टॉप के, जैसे ये टावर हो गया और इसके टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन स्टूडेंट्स कब बनता है, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ कोई चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो टावर के टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन इसके बेस से ए मीटर और बी मीटर की डिस्टेंस से देखे गए हैं और वो आपस में कम्प्लीमेंट्री हैं। कैसे एंगल हैं? कम्प्लीमेंट्री, दैट इज उनका सम 90 है, ठीक है। यानी एक थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। तो हमको ये प्रूफ करना है कि इसकी जो हाइट है टावर की वो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी मीटर है, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो फिगर बनाते हैं इसका। देखिए, सपोज कर लीजिए कि ये कोई टावर है ए बी, कोई टावर कंसीडर कर लिया ए बी, और इसके बेस से ए मीटर और बी मीटर की डिस्टेंस पर, सपोज कर लिया ये ए मीटर की डिस्टेंस है पॉइंट सी पर और ये है बी मीटर की डिस्टेंस। टावर मान लिया कि 90 के एंगल पे है, यूजुअली 90 के एंगल पे ही टावर होते हैं, और ये डी पॉइंट मान लिया बी डिस्टेंस पर है टावर के बेस से। तो जब इन पॉइंट से आपने टावर के टॉप के एंगल्स को ऑब्जर्व किया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपको कम्प्लीमेंट्री मिले। कम्प्लीमेंट्री एंगल स्टूडेंट्स क्या होते हैं, आपने पढ़ा होगा अर्लियर क्लासेस में, कम्प्लीमेंट्री एंगल किन्हें कहा जाता है, कुछ याद आया? यानी एक थीटा लेते थे और दूसरा लेते थे 90 माइनस थीटा, ये कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए जो कि टावर के बेस से ए और बी मीटर की डिस्टेंस से ऑब्जर्व किए गए टावर के टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा 90 माइनस थीटा। टावर की हाइट कंसीडर कर ली है h, अब इसमें थोड़ा सा आप नोमिनेशन कर दीजिए, दैट इज लेट टावर ए बी इज इक्वल टू h मीटर एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए इज इक्वल टू थीटा और एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट बी इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा बिकॉज दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री हैं। और अब आप इसमें रेशियो निकाल लीजिए, तो हमें वो रेशियो यूज़ करना होगा जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आते हों बिकॉज हमें क्वेश्चन में परपेंडिकुलर बेस दिया हो, बेस दिया हुआ है। तो वी नो दैट टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब टेन के रेशियो में ही परपेंडिकुलर और बेस आते हैं, इसलिए हम टेन का रेशियो लेंगे। सो इन ट्रायंगल ए बी सी tan theta is equal to perpendicular upon base, that is AB upon BC। फार्मूला होता है tan theta का, tan theta is equal to
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा तो थीटा ही दिया हुआ है, ए बी की वैल्यू एच है और बी सी की वैल्यू ए दी हुई है, इक्वेशन वन मान लिया। अब ट्रायंगल ए बी डी ले लीजिए, बड़ा ट्रायंगल जो इसमें दिया हुआ ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, अब ए बी डी में कौन सा एक्यूट एंगल 90 माइनस थीटा है, इसमें भी परपेंडिकुलर है और बेस है, तो वो रेशियो लेंगे जिसे परपेंडिकुलर और बेस आता हो, और वो होता है टेन का रेशियो। सो इन ट्रायंगल ए बी डी टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी एंड बेस इज बी डी, बिकॉज टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैल्यू पुट करिए, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हम जानते हैं कि टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा के प्लेस पे कॉट थीटा लिख दिया। ए बी की वैल्यू कितनी है, एच है, बी डी की वैल्यू कितनी है, बी है, तो बी हो गया, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर टू। अब स्टूडेंट क्या काम करेंगे, वन और टू की मल्टीप्लाई कर देंगे, वन एंड टू की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वेशंस की मल्टीप्लाई करने के लिए क्या किया जाता है, एलएचएस के एलएचएस से मल्टीप्लाई करते हैं, आरएचएस के आरएचएस से करते हैं, तो टेन थीटा की मल्टीप्लाई जो है कोट थीटा से हो जाएगी और एच अपॉन ए की मल्टीप्लाई एच अपॉन बी से हो जाएगी। हम जानते हैं कि स्टूडेंट टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोट थीटा होता है, कोट का रेसिप्रोकल टेन थीटा होता है, तो कॉट को आप लिख सकते हो वन अपॉन टेन थीटा। ठीक है, ये एच इंटू एच एच स्क्वायर हो जाएगा, ए इंटू बी ए बी हो जाएगा, क्रैस कैंसिलेशन करेंगे तो टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो वन इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन ए बी मिलेगा। वन के नीचे वन लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एच स्क्वायर की वन से होगी एच स्क्वायर, ए बी की वन से करेंगे ए बी, स्क्वायर हटेगा एल एच एस से तो आर एच एस पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी मीटर, यही प्रूफ करना था कि टावर की जो हाइट है वो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी मीटर है। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन, नोट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, अगर आपको कोई प्रॉब्लम इसमें आए तो आप पूछ सकते हैं, और इसको आराम से इसको देखिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करिए, और इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए ताकि आगे भी आपको और अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलते रहें।